मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो मैं यही चाहूँगा कि वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाहर से ब्लॉग, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपको अलग कुछ दिखाने का। तो मैं अभी खड़ा हूँ हवाई नगर रोड नंबर 3 के पास, जो बिरसा चौक से निकलता है घुटी की तरफ। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए इधर। यहाँ पर तैयारी पूरा है आपका छठ पूजा का, जो कि आज का शाम का अर्घ दिया जाएगा। शाम में सूर्य देवता को पानी जल चढ़ाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सेटअप चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सेटअप हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैं आज सोचा कि आपको ये सब दिखाया जाए, जो कि रांची में कई जगहों पे अपना ऐसा ऐसा पूजा होता है जहाँ पे सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है। तो मैं सोचा कुछ ऐसा कवर किया जाए, आपको देखने को मिले 4-5 जगह का। ये पहला जगह है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर लोगों ने किस तरह से अपना प्राइवेट एक तालाब बनाया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए पीछे इस साइड में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो यहाँ पे एयरपोर्ट है, ये जस्ट ये बाउंड्री एयरपोर्ट का है। और ये यहाँ से आपको शाम में या फिर दिन भर में कभी भी फ्लाइट दिख सकता है उड़ते हुए। तो ये जस्ट हवाई नगर रोड नंबर 3 के पास है। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा झलक यहाँ का। यहाँ पर कितना खूबसूरत ये छोटा सा तालाब बनाया गया है, प्लास्टिक डाल के नीचे गड्ढा करके प्लास्टिक डाल के, और ये पानी भरा गया है। और सामने में जो है भगवान की मूर्ति रखी गई है। और यहाँ पे अभी भी चल रहा है ये सेटअप। मैं आपको शाम में एक बार फिर से कवर करूँगा, जब पूरा ये सेटअप रेडी हो जाएगा लाइट वाइट के साथ। अभी फिलहाल चलते हैं, आपको दूसरे लोकेशन पे ले चलते हैं और वहाँ का दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ दूसरे लोकेशन पे, और ये है जगन्नाथपुर मंदिर, पीछे आप देख सकते हैं। उसके पीछे ये तालाब है, और ये तालाब का बहुत ही बड़ा कहानी है। ये कहानी ये है कि यहाँ पे हम बचपन में अक्सर आया करते थे, क्योंकि हमारी नानी जो पूजा करती थी, हमारी नानी जो छठ पूजा करती थी, तो हम लोग अपने घर से यहीं पे आया करते थे। यहाँ से हमारा घर बहुत ही नज़दीक पड़ता था। तो यहाँ पे बचपन गुजरा है छठ पूजा देखते हुए, और काफ़ी सारी यादें हैं यहाँ पे। यहीं पे HEC हॉस्पिटल भी है बगल में, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, जगन्नाथपुर मंदिर है और ये तालाब है यहाँ पे। यहाँ भी काफ़ी दिनों तक मतलब छठ पूजा देखने को मिला है। तो मैं सोचा ये जगह कैसे छोड़ दूँ, जो बचपन का याद है मेरा, वो कैसे मैं छोड़ दूँ इस जगह को। इसलिए मैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए आया हूँ। और जो भी लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ऐसा है कि जो भी लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, वो अभी दिन का सेटअप है। आपको रात में भी दिखाऊँगा ये लाइटिंग के साथ कैसा लगता है। तो अभी फ़िलहाल और भी दिखाना है आपको बहुत कुछ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम चलते हैं 3rd लोकेशन पर। फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पर। बस फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली अपने अगले लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और ये है, देख सकते हैं दुर्वा डैम, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और ये बैरिकेड किया हुआ है यहाँ पे, ताकि उस तरफ लोग ना जाएं, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। तो ये रहा हमारा दुर्वा डैम, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा रहा है यहाँ पे सब कुछ। और ये देखिए आप, बीच से रोड की दोनों साइड लाइट का इंतज़ाम किया हुआ है। और आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आइए हमारे साथ। ये देखिए, ये दोनों साइड से रोड के बीच कपड़ा लगाया हुआ है। और ये रोड लगता है आगे गांव की तरफ जाता है। तो जो भी पूजा करने आएंगे या जो लोग भी उस तरफ से आएंगे, बीचों बीच रोड से यहाँ ऊपर आएंगे। काफ़ी ये चीज़ मेरे को यूनिक लगा। और मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वॉइस में कुछ दिक्कत आ गई थी। और ये पीछे आप देखिए, चारों तरफ केवल बैट चमगादड़ दिख रहा है डैम में। तो काफ़ी ये बेहतरीन लोकेशन दिख रहा है। इस जगह को मैं शाम में आपको दिखाऊंगा। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, तो वेट कीजिएगा, शाम में मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह। फ्रेंड्स, मैं हूँ एक नए लोकेशन पे। मैं आया हूँ अपने दोस्त के घर जहाँ पे पूजा हो रहा है। और ये अपने घर में आंगन में छोटा सा तालाब बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है जहाँ पे जल दिया जाएगा सूर्य देवता को। तो आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाऊंगा। पता नहीं वॉइस क्या हो गया, अचानक से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आइए आप हमारे साथ अंदर। तो ये देखिए अंदर, पहले थोड़ा सा टीका लगवा लें। आगे दिखाते हैं, ये देखिए काफी खूबसूरत छोटा सा तालाब तैयार किया गया है आंगन में, घर के आंगन में। और यहाँ पे ही पूजा होगा। तो ये प्रसाद वगैरह सब वहाँ के रखा रहा है। तो ये घर में ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए छोटा मोटा डेकोरेशन भी किया हुआ है, काफी खूबसूरत दिख रहा है। तो ये एक नया लोकेशन मैंने आपको दिखाया जो घर पे हो रहा है, काफी सुंदर खूबसूरत है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये लोकेशन वीडियो और सारा वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने चाहे अपने तरीके से आपको बहुत कुछ दिखाने को, बहुत कुछ नया चीज़ बताने को। बुआ भतीजी हमसे बड़े। देखा आपने जहाँ से शुरू किया था, दिन का शुरुआत किया था, वहीं से आज इस ब्लॉग को एंड करने वाले हैं। यहीं से सुबह सबसे पहला ब्लॉग सबसे पहले यही जगह का दिखाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह जो यहाँ पे सेटअप किया जा रहा था पूजा के लिए, वो शाम को इस तरीके से लाइटिंग वाइटिंग के साथ कितना खूबसूरत दिख रहा है। आपको दिखाते हैं सामने जो मूर्ति है वो आप एक मिनट देखिए। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और चीज़ और यहाँ का सेटअप दिखा रहे हैं, वहाँ की लाइटिंग दिखा रही है। ये देखिए किस तरीके से पूरा सेटअप किया गया है यहाँ पे चारों तरफ। और हर एक केला का पेड़ के नीचे लाइट लगाया हुआ है। और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, तो लोग यहाँ बैठ के आराम से पूजा देख। सीन ऐसा है कि आज का ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा। काफ़ी मेहनत बोले तो सुबह से जो शुरू किए हैं अभी जाके एंड कर रहे हैं। सुबह में आपको दिखाया था कि नॉर्मल तरीके से कैसे रेडी हो रहा है, और उसके बाद हर एक जगह का आपको दिखाया कि रेडी होने के बाद वहाँ का कैसा लग रहा है वो सीन। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कितना मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। तो मैं यही चाहूँगा कि लाइक तो ज़रूर बनता है फ्रेंड्स, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का नए नए वीडियो को देखने को आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लग चुका है इस वीडियो को बनाने में, आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करते हैं यही फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।